नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक रुपए के एक छोटे सिक्के की बात करेंगे। यह सिक्का छोटा जरूर है पर कीमत में काफी बड़ा है। एक रुपए के इस सिक्के को 1982 में बॉम्बे मिंट में डाला गया था। एक रुपए का यह महंगा सिक्का कैसा दिखता है और उसमें क्या खूबी है, यह जानने से पहले आइए देखते हैं आजाद भारत में छपे एक रुपए के सिक्कों की कहानी। 1947 में भारत आजाद हो चुका था, लेकिन एक रुपए के नए सिक्कों की छपाई 1950 तक शुरू नहीं की गई थी। 1947 से 1950 तक अंग्रेजों के एक रुपए के सिक्के ही चलन में चालू रहे थे। हालांकि नए एक रुपए के सिक्के को सर्वप्रथम 1950 में बनाया गया था, पर यह सिक्के हर साल नहीं बनाए गए थे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1947 से 1957 तक भारत में अंग्रेज जमाने के आनापाई वाले सिक्के ही चलते थे। इस आनापाई की श्रेणी में 2 वर्षों में एक रुपए के सिक्के बनाए गए थे। यह 2 वर्ष थे, 1950 और 1954। इन दोनों वर्षों के सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट में ही बनाए गए थे। इन सिक्कों पर हमने पहले ही एक एपिसोड बनाया था, आप यह एपिसोड 76 जरूर देखिएगा। 1957 की डेसिमल पद्धति की श्रृंखला में एक रुपए का नया सिक्का सिर्फ 1962 में ही जारी किया गया था। यह सिक्का सिर्फ कलकत्ता मिंट में बनाया गया था। इसके बाद 1970 में फिर से एक रुपए का सिक्का बनाया गया था, परंतु यह सिक्के बहुत ही कम मात्रा में सिर्फ बॉम्बे मिंट में ही बनाए गए थे। 1970 के यह एक रुपए के सिक्के रेयर होते हैं और उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। इस पर हमारा एक खास एपिसोड है जिसमें इन सिक्कों की कहानी और उनकी कीमत बताई गई है, आप यह एपिसोड 47 जरूर देखिएगा। 1970 के बाद 4 वर्षों तक कोई भी एक रुपए का सिक्का डाला नहीं गया था। 1971 से 1974 तक 4 वर्षों में सिर्फ प्रूफ सिक्के ही बनाए गए थे। यह सिक्के बॉम्बे मिंट में डाले गए थे। यह प्रूफ सिक्के अतिशय कम मात्रा में बनाए जाते थे और इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। इन प्रूफ सिक्कों की संपूर्ण कहानी आपको एपिसोड 88 में मिलेगी। इन सारे एपिसोड्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ पर क्लिक करके यह सारे एपिसोड्स आप फ्री में देख सकते हैं। सामान्य प्रकार के डेफिनेटिव कॉइन्स की श्रेणी में एक रुपए के सिक्के 1975 से हर साल छापना शुरू किया गया था। 1975 से 1982 तक यह डब्बू प्रकार के सिक्के बॉम्बे मिंट और कलकत्ता मिंट में डाले जाते थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन से वर्ष में किस किस मिंट ने यह सिक्के डाले थे। यहाँ पर आप एक बात और गौर करिएगा, 1982 से यह डब्बू प्रकार के सिक्के बनाना बंद कर दिया गया था। इसका क्या कारण था यह हम देखते हैं जल्द ही। कई सालों बाद 1982 में भारत के एक रुपए के सिक्कों में बड़ा बदलाव किया गया। सिक्के बनाने की बढ़ती हुई कीमत और उसके तांबे और निकल की बढ़ती हुई कीमतों से मजबूर होकर भारत सरकार को एक रुपए के सिक्कों में बदलाव करने पड़े। 1982 में डब्बू प्रकार के सिक्कों का वजन और उनका आकार कम कर दिया गया। इससे एक रुपए के सिक्के बनाना थोड़ा व्यवहारिक बना। इस तरह के नए कम वजन वाले सिक्के 1982 से 1991 तक बनाए गए थे। यह सारे सिक्के भारत की बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट में बनाए गए थे। इसके साथ चलन की तंगी को दूर करने के लिए 1985 में विदेश की 2 मिंट ने भी 1 रुपए के सिक्के बनाए थे।
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन से वर्ष में कौन से मिंट ने यह सिक्के बनाए थे। आपने देखा कि 1982 एक ऐसा वर्ष है जिसमें दो प्रकार के एक रुपए के सिक्के बनाए गए थे। पहले के डब्बू प्रकार के सिक्के 8 ग्राम के थे, पर उन्हें 1982 में कुछ महीनों बाद छापना बंद कर दिया गया था। इसके बाद प्रयोगात्मक तौर पर 1982 में ही यह नए सिक्के बनाए गए थे। 1982 में यह सिक्के कॉपर निकल में बनाए गए थे और उनका वजन 8 ग्राम से घटाकर 6 ग्राम किया गया था। इन सिक्कों का आकार भी 2 मिलीमीटर छोटा करके 28 से 26 mm किया गया था। साथ साथ यह सिक्के 2 mm से घटाकर 1.47 mm पतले बनाए गए थे। सिक्के के अग्रभाग पर भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ है और उसके आसपास भारत इंडिया लिखा गया है। इस सिक्के की दूसरी तरफ बीच में एक का अंक और उसके ऊपर देवनागरी लिपि में रुपया और नीचे इंग्लिश में रुपी और 1982 लिखा गया है। वर्ष के आंकड़ों के नीचे बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क डायमंड बनाया गया है। इन सिक्कों पर पहले प्रकार के अनाज के भुट्टे कायम रखे गए हैं। 1982 के बड़े वाले डब्बू प्रकार के सिक्कों का बॉम्बे मिंट में मिंटेज था 11 करोड़ 68 लाख और 11,000 सिक्के। लेकिन इसी वर्ष के यह छोटे सिक्कों का मिंटेज क्या था, उसके आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। 1982 के यह सिक्के कितने बनाए गए थे, उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी पिछले कई सालों के संशोधन से यह पता चलता है कि यह सिक्के बाजार में बेहद कम मात्रा में मिलते हैं। यह छोटे सिक्के सिर्फ प्रयोगात्मक तौर पर ही काफ़ी कम मात्रा में बनाए गए थे। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 15,000 रुपयों से लेकर 50,000 रुपयों तक होती है। अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही किसी मजेदार सिक्के की कहानी लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। अगर आपके पास यह सिक्का हो तो नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। सिक्के जमा करिए, आनंद के साथ पैसे भी कमाइए। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम और आपकी कमेंट हमारे वीडियो में आए? आपको सिर्फ इतना करना है, कॉइन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट्स हमारे आने वाले एपिसोड्स में आए। हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं।